गाय घोटाला मामले में कैद विपक्षी पार्टी के नेता पीएस गोले भले ही 2019 का चुनाव लड़ पाए या नहीं, लेकिन सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी और गोले की पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के बीच इस मुद्दे को लेकर पहले ही वाक युद्ध छिड़ गया है। 10 अगस्त को गोले जेल से रिहा हो रहे हैं और एसकेएम अपने नेता का स्वागत करने के लिए तैयार है। ऐसे में शुक्रवार को सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कहा कि गोले अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। एसडीएफ की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्षी एसकेएम ने कहा कि गोले की वापसी से एसडीएफ भयभीत है, इसलिए ऐसी टिप्पणियां कर रहा है। इट इज वेरी क्लियर दैट एज पर लॉ देयर इज नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट, बट एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एज पर सेक्शन 8 विदिन ब्रैकेट 1 within bracket M, within bracket Roman II, it has been specific that any person convicted under the Prevention of Corruption Act will be disqualified and further disqualified for a period of 6 years from the date of release. So when you see the interpretation of understanding of this particular provisions of law under the Representation of People Act, it is very clear that the question is whether in future he can contest or you can fight elections. Now, as far as the law is concerned, I think, and in my opinion, humble opinion, that he will not be able to contest, or he continues to be disqualified for a period of 6 years from the date of release. झुटके बैसाखी पर जैसे तैसे यहाँ तक आए हुए एसडीएफ पार्टी अभी और हवा में गांठ बांधने का काम कर रहा है। ये हवा में गांठ बांधने का जैसा असंभव काम के सिवाय कुछ नहीं है। पीएस गोले जो एसकेएम पार्टी का अध्यक्ष है, ये चुनाव लड़ पाएगा और नहीं लड़ पाएगा, ये एसडीएफ का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। और हम विश्वस्त है कि 2019 का चुनाव हमारा पीएस गोले जरूर लड़ेगा। और हमारा एसकेएम पार्टी का ये भी अड़ान है कि हमारा नेता और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पीएस गोले है। कैला शहर में पूर्व उप मुख्यमंत्री वैद्यनाथ मजुमदार की मूर्ति में तोड़फोड़ की घटना के बाद विधायक मफाशील अली के नेतृत्व में सीपीआईएम के समर्थकों ने विशाल रैली निकाली। इस रैली ने कैला शहर पुलिस थाने का घेराव किया। एसडीपीओ राजीव सेन गुप्ता से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने प्रदर्शन वापस ले लिया। इस बीच मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने घोषणा की है कि उसी जगह पर स्वर्गीय वामपंथी नेता की नई मूर्ति लगाई जाएगी। इधर पुलिस ने मूर्ति में तोड़फोड़ करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों वामपंथियों के समर्थक थे, लेकिन चुनाव से पूर्व बीजेपी का समर्थन करने लगे थे। सीजेएम कोर्ट में दोनों की पेशी के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। এটার সাথে কৈলাসহরের মানুষের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আবেগ যুক্ত রয়েছে এবং এই বিষয়টাকে বুঝতে পেরেই বিজেপির দলের যারা বন্ধুরা আছেন তারা সেখানে ড্যামেজ কন্ট্রোলের নেমেছেন। তো আসামি তো এখানে পরিষ্কার হয়ে গেছে, পুলিশ যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে তারা বিজেপি দলের 2 আসামি এবং তাদেরকে বিজেপির দলের বলে এবার তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের কাছে মেসেজটা পুরোপুরি পরিষ্কার, এরা হচ্ছেন বিজেপি দলের লোক এবং এই এলাকাগুলোতে আজকের দিনে স্বাভাবিক যে কাজকর্ম করার মতো মানুষ বাড়িঘর থেকে ঠিক মতো বেরোতে পারছেন। सजा की अवधि खत्म होने के बाद भी त्रिपुरा के केंद्रीय कारागार में 20 से अधिक कैदी अभी भी अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। इन कैदियों के संबंध में पूछे जाने पर गृह विभाग का दायित्व ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी है और वे कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके इस जवाब से यह साफ था कि सजा की म्याद खत्म होने के बावजूद कुछ कैदी आज भी अपनी रिहाई के इंतजार में हैं। सूत्रों के मुताबिक सजा पूरी होने के बावजूद कुछ कैदी 1 साल से जेल के बाहर नहीं आ पाए हैं। वो चिंता मत करो, उसने तार व्यवस्था होच्छे एवं ठीक समय सुबिरी जब जानकारी इस चमर का चे वो व्यवस्था होच्छे। जिला परिषद में खासी पहाड़ी लोकतांत्रिक गठबंधन भले ही यूरेनियम के खनन का विरोध करता है, लेकिन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राज्य के पाले में गेंद फेंकते हुए कहा कि एमडीए सरकार से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर केंद्र परियोजना का आकलन करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले इस मामले की जाँच अपने स्तर पर करनी होगी और फिर केंद्र को सिफारिश भेजनी होगी।
केंद्र ने 2017 में राज्य में यूरेनियम खनन को पुनर्जीवित करने का फैसला किया था। हालांकि KHADC ने परियोजना का विरोध करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। बता दें कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद मेघालय तीसरा यूरेनियम समृद्ध राज्य है। The whole issue is first examined by the state and then the state gives sends its recommendation to the regional system, to the center, and in the center there are well defined check mechanisms, they are well defined mechanisms to give clearances or to give refuse clearances. So every project is you can say assessed on its merit.